नमो अरहंकारम नमो स्यालम नमो अयालम नमो अध्यायालम नमो सवसागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श अर्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस मंगलम समय सार जिन देव हैं स्याद वाद जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सबसे शोभित निज अनुभूति युक्त चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान जी छाया झान गही कम कलंक दही नक्षणंजनमय त्यो परम प्रणवी निर्दोष ब्रह्मचर्य। दोष का अर्थ क्या होता है? जो गुण नहीं है उसका नाम दोष है। इन गुण के विपरीत दोष बस इनको सतत खपावे छिडालम। सम्यक दर्शन के आठ गुण हैं: निसंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अमूर दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना। इनसे विपरीत जो है वो दोष है। आपको मालूम नहीं है कितने प्रकार के दोष होते हैं, मुझे मालूम है। सम्यक के 25 दोषों का विचार करो। जब दोषों का विचार करना हो तो सम्यक के 25 दोषों का विचार। हमें अपने तत्वों के स्वरूप में आगम में देव सास गुरु में शंका तो नहीं आ रही थी, यानी कहा होगा पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमारी मोह का नाश होगा ही होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमारा नाश होगा ही होगा। काय का मोह का। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना मोह का नाश नहीं ही होता, और तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो मोह का नाश होता ही होता है। इसीलिए छडालकार कहते जीव अजीव तत्व और आश्र बंदर संबंध जानो निर्जरा मोक्ष कही जिन तिनको ज्यो का त्यों सर्धन। और मोह का नाश होने से दुख का नाश होता ही होता है। नास्ती बोलो, मोह का नाश हुए बिना दुख का नाश नहीं ही होता। कितने ही पुण्य के उदय का वैभव मिल जाए, कितनी ही अनुकूलता मिल जाए, कितनी बुद्धि हो जाए तुम्हारी, कितनी ही तपस्या कर लो, कसाय की मंदा कर लो, मोह के नाश के बिना दुख का अभाव नहीं ही होता। और मोह का नाश होने पर दुख का अभाव होता ही होता। किसके दुख का अभाव होता है? संसार में दुख का प्रयत्न तो, दुख को दूर करने का प्रयत्न तो सब ही करते। कौन ऐसा बीमार है जो इलाज नहीं कराता? चलो जल्दी चलो। ज्ञानी धर्मात्मा दुख के दूर करने के इलाज दूसरा करते, राखा धर्म इलाजा। कौन ऐसा है जो व्यापार नहीं करते? अपन व्यापार नौकरी पूंजी जो कुछ कर ही रहे, मजदूरी अपने पेट तो भरना ही है। उनको पेट खाली होना भूख लगता है ये दुख, और पेट भर जाना ये लगता है सुख। जबकि तृष्णा हुआ दुख है ये पता नहीं है। अपने को पूर्ण ज्ञानमय आनंदमय देखना यह दुख है वो सुख है, और अपने को अन्य रूप देखना पर रूप देखना इसका नाम दुख है। तो ऐसी निसंकता आना चाहिए।
हमारा मोह का नाश होने पर ही दुख का नाश होगा। पैसा बढ़िया इससे क्या हो जाएगा, छोसम बढ़िया इससे क्या होगा, तुम दो सांस और पढ़ लो उससे क्या होगा। मोह का नाश होने पर दुख का नाश होता ही होता है, मोह का नाश हुए बिना दुख का नाश नहीं ही होता। देखो बाहर में कोई सामग्री नहीं है, आज वो आहार हो गया, कल आहार का ठिकाना नहीं कहाँ होगा। आज तो यहाँ ठहर गए, कमरा बंद मिल गया, कल कौन सा मिलेगा, क्या होगा, क्या पता नहीं, अनियत बात ही। ये लोग तो बहुत अच्छे थे, अब कल कैसे लोग मिलेंगे पता नहीं, विकल्प नहीं है। निर्मोही बिना बाह्य साधनों के सुखी और मोही बाह्य साधन होने पर भी दुखी। सब साधन अपने मनोनुकूल बना लिए, कल का नहीं हमको साल भर का इंतजाम है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञानीजन कहते सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी ये खबर नहीं है, और 100 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहे। बाह्य साधन होने पर भी मोही दुखी और निर्मोही बाह्य साधन न होने पर भी सुखी, निर्दोष सुख पढ़ाए, निर्दोष सुख, निर्दोष सुख लो सर्वदा हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कर। निर्दोष सुख किसको कहती है, जिसमें पर का सहारा न लेना पड़े। जिसमें पर का दूसरे का सहारा न लेना पड़े, ऊपर से पॉलिश कर देना अलग बात है और सोने की चमक अलग है। सोने की चमक है भीतर निकलती चली आएगी, और सोने की चमक नहीं है ऊपर की पॉलिश है तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। वास्तविक निर्दोष का मतलब वास्तविक, जिसके बाद दुख नहीं हो। कभी कभी हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं भोजन करते समय, आज तो तृप्ति हो गई, तो हमने कहा बहुत अच्छा है, कल शाम को मत खाना। आप तुरंत ही हमें प्रश्न हो जाता है तो शाम को क्या खाएं, इसका मतलब है तृप्ति झूठी है तुम्हारी। सुख उसको कहते हैं जिसके बाद दुख न हो, जिसमें दुख न हो, आकुलता न हो, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा न हो, उसको निर्दोष सुख कहेंगे। अतिंद्रिय सुख निर्दोष सुख है और इंद्रिय सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, इसलिए दोषवान सुख है, दोष रहित। इंद्रिय सुख वाला इंद्रिय सुख को सुख मानकर मग्न रहने वाला तो दुखी होगा ही होगा। अभी पूजा में पढ़ के आयो दशरथ में, देव एक इंद्रिय भया, सुख में मग्न हो गए, और सागरों की आय हुई थी गई, और अब 6 महीने पहले माला मुरझा गई, आभूषणों की कांति फीकी पड़ गई, तो समझ में आ गई कि अब तो यहां से चलना होगा, अब तो यहां से चलना होगा, ये देवों की छूटेगी, सुसंकलित परिणाम होने लगे,
और उस संकलेश परिणामों से देह छूट गई कहां जाकर के एक इंद्रिय में पैदा हो गया। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप किरण में गया। माने आप देखो, राजा होकर के यानी क्या क्या अपनी मस, लेकिन राजा का राजपद छूटा और कीड़ा में जाकर पैदा हो गया। इंद्रिय सुख के बाद दुख होता है, नियम नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञानी को इंद्रिय सुख होता है, उसके बाद फिर सुख ही सुख है, दुख नहीं होता। बाहर में भी सुख है, भीतर में भी सुख है। भगवान अनंत के समोषण जैसी बाहरी विभूति भी है और अंतर में अनंत चतुष्टय की विभूति है। लेकिन जो सुख में मग्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है सुख में, जिसकी देह छूट जाती है इंद्रिय सुख में, वह नियम से दुखी होता है। आपको मालूम है चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। कौन? जो इंद्रिय सुख में आसक्त हो जाते हैं वे नरक में जाते हैं, और इंद्रिय सुख को छोड़ करके जो तपश्चरण अंगीकार करते हैं, आत्मस्वरूप की साधना करते हैं, अपने अतिंद्रिय आनंद में मग्न होते हैं, वे मुक्ति जाते। तो जैसे निर्दोष हो, सब जगह निर्दोष शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। समंत भद्र स्वामी ने निर्दोष लिखा है देवशास गुरु के संबंध में, आपके नोछिन्न दोषेण सर्वज्ञ नाग वेशना भक्तव्यम नियोगे नन था आपका भवि। भैया थोड़ा समय निकालो, स्वाध्याय किया करो और इन बातों को पढ़ो, तुम्हारे घर में सब कुछ है। निर्दोष देव जिसमें 18 दोष नहीं है, इनमें 18 दोष नहीं है, जो जगत के कर्ता नहीं है, जो जगत में के भोक्ता नहीं है, पर पदार्थ ज्ञान में झलकने पर भी इनके इष्ट अनिष्ट की किंचित मात्र भी कल्पना नहीं है, राग द्वेष बिल्कुल नहीं है। पूजा करने वाले से राग नहीं होता और निंदा करने वाले से द्वेष नहीं होता। निर्दोष देव, निर्दोष गुरु, निर्दोष शास्त्र, जहां निर्दोष आत्मा। आप जानते हैं निर्दोष सुख अभी आपने पढ़ाई है, निर्दोष ज्ञान, ज्ञान के कितने दोष हैं? संशय विपर्य अनध्यवसा अथवा रत्नस्थ पूजा हम पढ़ती हो, ज्ञान के 8 दोष और ज्ञान के 8 गुण। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभयतन जानो, जानो सुकाल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइये, तपरीत गए बहुमान देके विनय गुण चित लाइये। ये 8 भेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो भरसिया और सब पर देखना। ये क्या है? ज्ञान के गुण हैं। अब इनके विपरीत होंगे तो दोष होंगे। क्या मतलब है? लापरवाही से अशुद्ध पाठ पढ़ना, ये दोष है ज्ञान का। लापरवाही से कभी गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लापरवाही से अशुद्ध पाठ पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, यह दोष है। अपने उच्चारण को शुद्ध बनाओ,
अपने पार जो आप करती हो, पूजा करती हो, उनको शुद्ध कर लो, शुद्ध करवाओ, शुद्ध करो, अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो। यहां पर इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है, शब्दार्थ को भी पहचानो, नयार्थ को भी पहचानो, मतार्थ को भी पहचानो, आगमार्थ को भी पहचानो और भावार्थ को भी पहचानो। अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो, अक्षर अर्थ वैसे पहचानो, जानो, पाठ पढ़ते जाए और अर्थ ख्याल में आता जाए। युगपत किसी के भाव शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, किसी के क्रिया शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, भाव अशुद्ध है, किसी के क्रिया भी शुद्ध है, भाव भी अशुद्ध शुद्ध है, और किसी के क्रिया अशुद्ध है और भाव भी अशुद्ध होता है ऐसा। ऐसे यहां समझ लेना, किसी का अर्थ शुद्ध है तो सब उच्चारण अशुद्ध होता है, किसी का उच्चारण शुद्ध है तो अर्थ अशुद्ध होता है। धन्य है वे जीव इनका उच्चारण भी शुद्ध है और अर्थ भी शुद्ध है। अब देखो अंजन छोर, उच्चारण अशुद्ध हो गया आलम तालम, अब जो कोई शब्द है आलम तालम, और तुष्मास भिन्नम से भूति मंद आई, उच्चारण कैसा हो गया। लेकिन ध्यान रखना उनके ये ज्ञान में दोष नहीं है, क्यों, उच्चारण अशुद्ध हो गया है कभी किसी कारण से। अगर उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, उच्चारण शुद्ध का प्रसंग बने तो मानना चाहिए, और नहीं तो कोई बताए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अक्षर का उच्चारण अशुद्ध होना यह भी दोष है, अर्थ का अशुद्ध होना ये भी दोष है, और दोनों ही अशुद्ध हो फिर का पूछो। धनसन भट्टा भट्टा चरिय भट्टा फिर भट्टेश भट्टा, दर्शन से भी भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भी भ्रष्ट हैं, आचरण से भी भ्रष्ट हैं। निर्दोष शब्द कितना बड़ा है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से निर्दोष है, एक दृष्टांत दिया था, गेहूं में मट्टी पैदा नहीं होती, बीज में मिल जाती है। गेहूं में मट्टी पैदा हो जाती है क्या, बीज में मिल गई। सोने में किट कालिमा, जैसे सोना है तब से मिली है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। जीव के साथ में कर्म का संबंध अनादिकाल से है, जीव की पर्याय में अनादिकाल से दोष हो रहे हैं, लेकिन और दोषों की चर्चा करते हुए पंडित सदाशिव दास जी ने उत्तम क्षमा में कहा, वो चर्चा अपन करेंगे बाद में, ठीक है। क्या कहा, कर्म के प्रेरे नाना जीवों को देख करके दोषों को होने का क्या आश्चर्य करते हो। इनको क्रोध ना आए तो आश्चर्य है, क्रोध आ जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, ये दुखी है इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इनको दुख ना हो तो आश्चर्य। हम बहुत दुखी हैं, क्या करें, हमने कहा तुम स्वाध्याय करते नहीं, भगवान की पूजा करते नहीं, ये है और सत्समागम करते नहीं, दुखी नहीं होगे तुम तो हम दुखी होंगे। भाई विचार करो, दुख का कारण जहां होगा वहां दुख तो होगा ही, तुम्हारी पुण्य पाप का ठिकाना नहीं है तो दुख तो होगा ही, हम क्या करें, पापों में मगन हो, हम बहुत दुखी हैं, क्या करें, हम बहुत बीमार रहते हैं। अरे बीमार रहते तो जब भोगों में आसक्त रहते हो तो रोग कौन कौनगे, तुम्हारे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, हैं पंचे देखने का सुनने का ठिकाना नहीं, देखने सुनने का ठिकाना नहीं माने चाह कुछ सुनते रहते हो और चुपचाप सुनते रहते हो,
ये ऐसा है और चुपचाप सुन रहे। भैया नहीं, दोषों को सुनना भी नहीं चाहिए, सुनाना भी नहीं चाहिए और अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। गलत बात। ये नियों के मुनि ऐसे होते, बस तुमने सुन लिया और सुनते चुप रहेगा। नहीं, आपको मालूम है बाजराज मुंडाज के शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था और ध्यान में मग्न बैठे थे, राजसभा में चर्चा चली और धर्म भीरु श्रावक बैठा था पाक्षिक, और वहां चर्चा चल गई, अरे जैनियों के क्या मुनि क्या भला करेंगे, शरीर में कोड़ हो रहा है, बात दूर कर नहीं पा रहे। और वह श्रेष्ठी बोला, हे क्या भक्ति हो, जैनियों के मुनि कंचन वर्णी होते हैं, तीन लोक के हितैषी होते हैं, जैसा हित मुनिराज करें वैसा हित तो कोई नहीं करने वाला। दुनिया के जीव हित के नाम पर परिग्रह को जुटाते हैं, विषयों में फंसाते हैं, इच्छाओं को पूरी करते हैं, और जैनों के मुनि तो इच्छाओं के अभाव का मार्ग बताते हैं, तुम्हारा परिग्रह छुड़ाते हैं, तुम्हारे भोग छुड़ाते हैं। ए भैया बहुत दुखी होगे, इन भोगों को अब तक छोड़ो, इस परिग्रह को अब तक छोड़ो। जैनी के मुनिराज जैसा हित करते हैं वैसा हित तो कोई करने वाला नहीं। आप पूजा पढ़ती हो, जग को दे दी और अपन ने दे दी, अपनी नहीं दिया, अपन अपने में मगन हो गए, तुम दे ले जाओ, जग को दे दी, जग की नहीं दिया। अरे जगत को, सारे जगत को जगत की निधियां बता दी, तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारा अक्षय वैभव तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। वहां से चले, जब सेठ ने ये कहा कि जैनों के मुनि कंचन वर्णी होते हैं और जगत का समस्त जगत को तारने में समर्थ है, सारे जगत का भला करने में समर्थ है। अच्छा, राजा ने कहा, लड़ते क्यों, विवाद में क्यों पड़े हो, कल देख लेंगे अपन, चल के देखेंगे। और श्रेष्ठ जी को ध्यान नहीं रहा, ओ बजराज मुंडाज तो वहां विराजमान है, अब क्या होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, राजा देखने आएगा, राजा के साथ प्रजा भी देखने आएगी, जिन धर्म की बढ़िया प्रभावना होगी। महाराज कछु करो, लाज तुम्हारी हाथ में है, तुम्हारे वचन ही मंत्र हैं, गुरु मंत्र, जीवो मंगलम, ये मंत्र हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारणी मोक्ष मार्ग, ये मंत्र हो गया, सिद्ध के विधान में मंत्र किसको कहा, नहीं आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र मान कहो। मंत्र है ये, मन के ज्ञाय के अनेक नाना आत्मा देशो, इसी मंत्र है, जिसके द्वारा आत्मा जाना जाता है उसको मंत्र कहते हैं। एक परिभाषा तो ये है, दूसरी मंत्र की परिभाषा क्या है, मन के सत्क्रियंते स्वस्मिन तिष्ठते, जो परम पद में स्थित हैं, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हैं, ऐसे पंच परमेश्वरियों का सत्कार जिसमें किया जाता है, नमस्कार जिसमें किया जाता है, वो मंत्र है। इन्होंने पूछ तो भी लिया, उदाहरण अधूरा रह गया था उस दिन स्वाध्याय में, उदाहरण अधूरा रह गया था,
गुरु महाराज की खूब सेवा करी और जब घर जाने को हुआ तो उसने गुरु ने ओमकार मंत्र दे दिया। तो वहां के पंच और वहां के मुखिया लोग बोले, भैया अरे का है हमारे बच्चा बच्चे जानते ओमकार मंत्र, कहा जी कोई बड़ो मंत्र है बच्चा बच्चा जानता। उसको बड़ी निराशा हुई और आया गुरु के पास, महाराज ये छोटा सा मंत्र आपने दे दिया, हमारे दादा कहते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है। बोले ठीक कोई बात नहीं, दे हीरा ले और जा करके इसकी कीमत करा दिया। सब्जी वाले ने कहा एक लोकई लौकी और नींबू और तोरई और मिर्चा ले जा, दूसरा नोट कर लिया इसकी कीमत कितनी, एक लौकी और नींबू और दो मिर्चों के बराबर। पंसारी के पास पहुंचा, परचूनी वाले के पास पहुंचा, भैया ये रत्न। बोले ले जाओ आटा दार सब्जी का चाहिए तुम्हें, आटा दार चावल वगैरह जो कुछ चाहिए ले जाओ भाई, एक दिन की खुराक। अच्छा, और बड़े व्यापारी के पास पहुंचा, बोले कपड़ा पहन ले जाए का ड्रेस बनवा ले और का करो। जोरी के पास पहुंचा, बोले कहां मिल गयो, बड़े भाग्यवान हो, पहले तो प्रशंसा करी, भाग्यवान हो ये रत्न तुम्हें मिल कहां गया, इसकी जो कीमत बहुत है भैया। उसकी आंखें खुली, रत्न वही है कीमत अलग अलग समझदार है, ऐसे मंत्र वही है कीमत अलग अलग है, जो इसके भाव को समझे। अनुभव माणिक पार की जोरी आप जनन, यही बरमोह दीजिए चरण शरण आनंद। रत्न वही है कीमत अलग अलग, ऐसे मंत्र वही है कीमत अलग अलग है। गुरु महाराज के चरण छुए, महाराज धन्य हो गए, संसार से तिरने का मार्ग मिल गया हमको, सुखी होने का उपाय मिल गया हमें। अरे क्या कहें, सांची कहूं क्या झूठी का है, ऊपर से सांची कहूं खोई निज मुझको, मिल गई मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई खिल गई। सही बात हो ये। अरे अपने इस पवित्र पावन धर्म की कीमत पहचानो, धर्मात्माओं की कीमत पहचानो, बाहर से नहीं भीतर से पहचानो। अनंत आदि की भी महानता बाहर के अक्षयों से नहीं है, अनंत चतुष्टय से है, और अनंत चतुष्टय में भी सारा लोक ज्ञान में जाने में आता है, इसे कीमत नहीं है, इसे मानता नहीं। उस आत्मा को जानने पर लोकालोक जानने की अभिलाषा ही नहीं रहती, मगन हो जाता है, लीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। अब नहीं जरूरत, अब हमें नहीं चाहिए। जिन धर्म का चमत्कार इच्छाओं के अभाव होने में है, इच्छाओं की पूर्ति को थोड़ा सा चमत्कार नहीं माना। परसों हम पढ़ रहे थे, बहिरंग चमत्कारों में धर्म नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। इच्छाओं की पूर्ति हो गई है कोई चमत्कार है, इच्छाओं का अभाव हो गया है चमत्कार है। के समझ में नहीं आई के समझ लो, वैद्य के पास गए तुम्हें बीमारी हो गई, तो बीमारी का बने रहना चमत्कार है कि बीमारी का मिट जाना चमत्कार है, बताओ। ए चमत्कार होगा, वैद्य आपके पास आए, दुकान पे पांव धरो, एक खुराक खाई और रोग तो मिट गया, चमत्कार होगा। महीनन भी रोग दवाई खाते रहे और पैसा देते रहे और रोग मिटा ही नहीं, और रोग बढ़ता ही गया, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की, ये कोई चमत्कार है? इच्छाओं का अभाव होना चमत्कार है, इच्छाओं की पूर्ति होने को चमत्कार मत मानना।
इच्छाओं के संबंध में आपने सुना है? बोलो। इच्छाओं का उत्पन्न होना अज्ञान से होता है, इच्छाओं का अभाव ज्ञानाभ्यास से होता है, और इच्छाओं की पूर्ति पुण्य प्रमाण होती है। जाचे सुरतर देशोक चिंतत चिंता म, चिंतत चिंता रेन बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। ठीक है, ठीक है भाई। जाचे सुरतर देह सुख, क्या मतलब? कल्प वृक्ष जो कुछ मांगो सो मिलता है। तुमने नहीं सुनी, एक व्यक्ति जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया और एक पत्थर पड़ा था, सो उसने उठा लिया और बोता है था चिंतामणि रत्न, और वो सोच लिया क्या करे, भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो अच्छा। ओए भोजन आ गया वो सर थाली में, प्यास लगी है पानी मिल जाए, सैया मेरी शेर मिल जाए। अब वो सोचने लगा कि ये तो कोई बड़ी चीज है जो हम चाहते सो, और जंगल में भैया कहूं कोई राक्षस ना आ जाए, ए राक्षस आ गया खा ना जा और खा गया। हम ये पूछ कह रहे हैं कि तुम कल्पवृक्ष के समान जिन धर्म को पाकर के भी राक्षस और मरने की कल्पना मत करो। अरे ऐसे पड़ोसी मत बनाओ, पड़ोसी की एक दो एक फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ो। जियो और जीने दो भगवान महावीर का एक पवित्र सिद्धांत है। शांति से जियो, निर्विकल्प जियो, और एक मंगल कामना से सारे विश्व को अपने जीने दो। सबको किसी जीव की विराधना मत हो। जब निर्दोष आत्मा अगर है तो सब कुछ निर्दोष हो सकता है। निर्दोष दृष्टि भी हो सकती है, निर्दोष ज्ञान भी हो सकता है, निर्दोष आचरण भी होगा, निर्दोष प्रभुता भी होगी। निर्दोष हो, देखो भाई पक्ष के विपक्ष तो सब जगह है, अच्छाई बुराई। अगर निर्दोष सुख है तो सदोष भी सुख है, निर्दोष देव है तो सदोष देव भी है। आप निर्दोष की कल्पना करोगे तो सदोष की कल्पना भी हो जाएगी। दोषों की कल्पना मत करो। निर्दोष बहुत बड़ा सुख है, जिनसाधन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। खाली निर्दोष प्रभावना ही नहीं, कहे भैया निर्दोष प्रभावना तुम करोगे, निर्दोष निकांचित कौन करेगा? हैं? निर्दोष प्रभावना में 8 अंग गर्भित हैं, निर्दोष ब्रह्मचर्य में 10 धर्म गर्भित हैं। निर्दोष ब्रह्मचर्य हो स्वामी, अरे निर्दोष क्षमा हो। निर्दोष क्षमा जानते हो? आज क्षमा धर्म का दिन है, जिस क्षमा में कोई एहसान ना हो, जिस क्षमा में अभिमान नहीं हो। अब जाओ तुम क्षमा कर दे, अदा एहसान नहीं है कजू, तुम्हें सुखी नहीं हो, दुखी नहीं होना है तो क्षमा करना ही चाहिए। अभिमान से क्षमा मत करो, और दूसरों की गलती समझते हुए क्षमा मत करो। क्षमा मांगने से भी ज्यादा जरूरी है गलती का एहसास करना, अपनी गलती को दूर करना। गलती हो गई क्षमा करो, बस खत्म मामला, और कछु नहीं। ये बड़ी विडंबना है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं है। गलती क्षमा मांग भी नहीं पाओ, गलती का एहसास करो और गलती को दूर कर लो, इसका नाम क्षमा हो गई। जीव को जीव समझ लो, जीव की विराधना मत करो,
यह निर्दोष क्षमा है। पंडित चेकचंद जी ने क्षमा धर्म के प्रसंग में लिखा विधान में। देखो भाई एक बात थोड़ी कह दें, आ गई तो अभी लॉकडाउन और उसका समय सज रहा है कोरोना का, सामूहिक विधान तो नहीं हो पा रहे पास पास बैठ करके और गाओ बजाओ और ये करो ये तो नहीं हो पा रहे, लेकिन आप लोग एक विधान की पूजा रोज पढ़ो। ये पेंट पर सटवान से कह रहे हो, सुनी टंडन तुम से कह रहे हो या इनसे ही नहीं कह रहे, धोती पटावान से एक विधान की पूजा रोज करो और पूजा को स्वाध्याय की तरह करो, आनंद से पढ़ते जाओ, अर्थ समझते जाओ, नहीं समझ में आए तो ये बता दें, ये तो है ही, इनसे तो डर नहीं लगा, पंडित जी को डर लगा तो भाई। अरे डर डरता कौन है, जो अपराधी होता है वह अपराधी मत बनो, डर नहीं लगेगा तुम्हें। एक छोटे से बच्चे को डर नहीं लगता, तुम्हें क्यों डर लगता है? जब तुम थाने के सामने निकलती हो, कोतवाली के सामने निकलती हो, जेल के सामने से निकल जाते हो, डर तो नहीं लगता कहीं पकड़ लो तो, कि हमने जब करो ही नहीं कछु तो हमें पकड़े का है। कुंदकुंद स्वामी ने ये दृष्टांत बनाया, करे जो अपराध वह ससंकित जग में फिरे, अपराध जो करता नहीं निशंक लोक विषय रहे। एक विधान की पूजा व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय के तरीके से रोज करो। बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, ऐसी बढ़िया प्यारी लाइन है, धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, सेहरा कहू सेहरा बांधो सबसे ऊंचा, धर्म हमारा सेहरा, भव में हो साथ, हमें धर्म मिलता रहे, जिन धर्म विनिर्मुक्त हो माँ बाप चक्रवर्ती दरिद्रोपी, जिन धर्मान वास्त है, हमें धर्म मिल जाए और कुछ नहीं। चंदन वाला कह रही है ठीक है, खाने को रोटी नहीं है यहाँ भरपेट, शोक श्रृंगार की बातें नहीं है यहाँ, हमारी सील की सुरक्षा तो है, यहाँ हमारे सील की सुरक्षा तो है। उस बैस्या के वो हाथ पकड़ करके खींच रही है और नहीं जा रही, यहां खूब भोग संयोग मिलेंगे, सोना आभूषणों से मणि आएगी और सेठ के घर में तहखाने में बंद बेड़ियां पड़ी और मदन। ऐसे मगन रहो भैया, क्यों भैया पढ़ते हो? जक्की दुखी तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामान मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। अरे शरीर में रोग हो जाए, रोटी खाने को नहीं मिले, कोई निंदा करे, कोई कुछ करे, करता रहे ठीक, हम काहे को दुखी हों? एक लाइन आपको समझा दें, जीवन में समझ लेना, दुखी होना दूसरे के अपराध का दंड अपने को देना है। अरे वो निंदा कर रहा है वो दुखी होगा, हम क्यों दुखी हो गए बता दो तो, दूसरे के क्रोध करना दूसरे के अपराध का दंड स्वयं को देना है, दुखी होना दूसरे के अपराध को दंड स्वयं को देना है। निर्दोष प्रभावना ही नहीं होती, निर्दोष ब्रह्मचर्य ही नहीं होता, निर्दोष ब्रह्मचर्य तो होता ही है, निर्दोष प्रभावना तो होती है, लेकिन किसके द्वारा? जिसके जीवन में दोष नहीं होते। क्या लिखा है प्रभावना में श्राव का चार में,
प्रभावना उच्च आचरण से हुए है, निर्दोष आचरण से हुए है, प्रभावना अहिंसा से होती है। जब हमारा जीवन अहिंसामय होता है, सत्यमय होता है, हमारे जीवन से स्वयं प्रभावना होती है। तो जब दोषों की चर्चा आए तो आप सबसे पहले सम्यक के दोषों का विचार करना, ज्ञान के दोषों का विचार करना। अगर हम योग काल में स्वाध्याय नहीं करते तो ये दोष है हमारे जीवन का। वो ही मत पढ़ने ना अकाल वाला, वो उल्का पात और बिजली और मरण और सूतक और पातक, ये मत सोच लेना। काहे को लिखाए तुम्हारे घर सूतक हो तो तुम पढ़ते रहो स्वाध्याय हो जाए, तुम्हारे घर में सूतक भी लग जाए तो अभी पढ़ ले पूजो, तुम्हारे घर में अगर सूतक भी हो जाए समय कर लो, समय पाठ वाली मेरी भावना पढ़ लो। ये लिखी है वो लखने के लिए लिखी है, ये मत सोच लेना। सजाने के लिए लिखी है, सजाने के लिए नहीं, जीवन सजाने के लिए। एक एक पंक्ति मह चुकी है। कितने लोग तो फोटो खींचते हैं लेकिन कितने लोग हृदय में धारण करते। याद रहती है, एक बार हम अलीगंज से कंपिल जी जा रहे थे, रास्ते में बैज जी जा रहे थे, गम्मी चंद जी पंडित जी, सो झूला ले जा रहे। हमने गाड़ी रोकी, हमने पंडित जी बैठो चलो कंपिल के दर्शन करें। बोले चलो भैया, तो बैठ गए गाड़ी में वहीं से, और उनसे कह दिया, लड़के से एक था कि दुकान पे कह दिया पंडित जी कंपिल गए। रास्ते में पंडित जी बोले भैया तुमने हमसे कुछ कहा था, हमने जाने कौन कौन से कहा कह दिए, हमें कहा मालूम। बोले आपने हमसे कहा था अब इस उलझन में मत उलझे रहो, जीवन थोड़ा है और कुछ कलश समय सार के नियम सार के याद करो और उनमें धुन लगाओ। किमा ध्रुव वस्तु चिंतया, किमा ध्रुव वस्तु चिंतया, हे समय सार मेरी रक्षा करो, धुन लगाओ। तो पंडित जी हमको जम गई आपकी बात, हमने याद किए, उन्हें चार छह कलश रास्ते में सुना दी हमें, हमारी याद में हमने की देखो ये बूढ़े आदमी, हम तो लड़का है इनके सामने, अब तो शांत हो गए और बताओ ऐसे कह रहे। बहुत लोग मिजाज पंडित जी आपने हमसे कही थी कछु, हमने तुम्हारा धन्यवाद है तो तुमने उस पर ध्यान दे लिया। योग काल में स्वाध्याय नहीं करने का मतलब ये भी होता है, बचपन में ज्ञानाभ्यास मत करो, जोलो तुम्हारी आंखें काम किए तो न मत करो, कान काम किए तो न मत सुनो। योग काल में स्वाध्याय करना माने जब बोनी लायक समय हो गया तो किसान खेत की बोनी कर लेता है कि नहीं, और जब काटने का समय आता है तो काट लेता है, और बोनी नहीं करेगा तो काटेगा। ऐसे अभी आपको अवसर मिला है, अब सब प्रकार से अवसर आया है, सुनने का अवसर है तो सुन लो, और नहीं सुनने का अवसर मिल पाए तो पढ़ लो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय बिना पूजा अधूरी है, सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है, आत्मा बिना सब कुछ अधूरा, अधूरा क्या शुरुआत ही नहीं है। ससुर साहब पैदा ही नहीं हुए, वो बहू बोली ससुर पैदा ही नहीं हुए, दिखा कह रही है कि हाँ तुम्हें धर्म ध्यान नहीं लगाया, कमा खाओ कमा खाओ कमा खाओ उसी में लगे हो तुम। तो काला ध्यान का मतलब ये भी होता है, योग काल में अभ्यास करो, अभी समय है पढ़ लो। अब एक घंटा बाद आज तुम्हें का सुनवे मिलेगा, अब तुम्हारी यहां के काम नहीं जाएंगी तो तुम का पढ़ लोगे, सोचो।
पंडित टोटल दौलताम जी ने लिखा, जोलो न रोग जरा कहें तोलो जटित ने हित करो। सुनते नहीं हो इसलिए हमें कहने का भाव कम आता, नहीं तो खूब कही हमने तुमसे भाई। देखो भाई तुम्हारी पुरखा चले गए, स्वाध्याय के पट श्रोता थे सब लोग, अब आप लोग स्वाध्याय का जिम्मेदारी आपकी है। कछु बह नहीं गए, व्यापार तुम्हें छोड़ गए, जायदाद तुम्हें छोड़ गए, तो ये भी सारे ये कौन को छोड़ गए, ये धैर्य मत छोड़ो भाई। स्वाध्याय जरूर करो, दर्शन बिना भोजन नहीं है, इसी प्रकार स्वाध्याय के बिना सहन नहीं है। सो कैसे गए तुम, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा जितना मन लगे तुम्हें अपने स्वाध्याय जरूर करो। लेट भी जाओ तुम्हारे मामा 3 बजे भी अगर बंदे आए तो देखते हैं माला फेरेंगे अपने, बड़ी निश्चिंता से अपना दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी माला फेरेंगे और स्वाध्याय करेंगे, तब जाएंगे। भले 3 बजे आए कोई बात नहीं, लेकिन वे जरूर पढ़ेंगे। देर हो गई तो आकुलता हो गई, जो नहीं है देर हो गई तो हो गई, स्वाध्याय जरूर कर रहे हैं। दादा आकर के बैठते थे, आप लोग ध्यान दीजिए, घर की उन्नति का भी साधन यही है, धर्म उन्नति हो तो हमारे परिणाम चढ़ेंगे तो सब कुछ चढ़ेगा। परिणामों से ही पंचम काल है, परिणामों से ही चौथा काल है। इस दुष्म काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले, हे नाथ काल चौथो तहां, पीत भीत सभी चले। दुनिया में कोरोना है, तुम्हारे यहां का कोरोना बताओ, का कोरोना कछु नहीं। दुनिया में टिड्डी जा रही तुम्हारे यहां का, दुनिया में कहीं सूखा पड़ गया तुम्हारे घर में का है। जहां जिन राज का धर्म चलता है वहां ये सारे उपद्रव दूर होते। उस दिन देख रही थी व्याकरण तो साधु मानी निरुपद्रव, साधु को कोई उपद्रव ही नहीं, अब का उपद्रव उन्हें पहले ही छोड़ दो, कोई दुपट्टा ले गए तो, कोई ने भात दी तो, कोई मैली हो गई तो, है ही नहीं मैली का हो गया। आत्मा मलिन होता नहीं और शरीर उज्जवल होता नहीं, बस जी बैठे। इसलिए भैया स्वाध्याय बहुत जरूरी करो, बड़े भाग्य की बात है। साहब का उसमें उपदेश सिद्धांत माला में कहा है, ये पर्व के दिन पर्व जिन्होंने बताए हैं, बनाए हैं, चलाए हैं, क्यों जो रोज भी नहीं करते हैं वे भी पर्व के माध्यम से धर्म मार्ग में लग जाते हैं, और जिन्होंने खोटे पर्व चलाए हैं उनकी लीला परम्पार है। वे खोटे कामों में प्रवृत्त जाते, त्योहार आए वो ये अवसर है, ये कालाध्ययन है। सुदर्श तरंगणी में ये अर्थ किया, योग काल में योग शास्त्र का पढ़ना। अब तुम पढ़े नहीं हो, छह डाला और पढ़ बैठ जाओ तो लोग सार का समझ में आ जाए तुम्हारे। पहले क्रम से पढ़ो, पहले बालभूत पढ़ो, फिर छह डाला पढ़ो, फिर किताबें छोटी छोटी पढ़ो, द्रव संग्रह पढ़ो, तत्वासूत पढ़ो, अब समय सार पढ़ो, उसके बाद फिर अब त्रिलोकसार पढ़ लेना क्रम से। योग काल में योग शास्त्र का अभ्यास करना, ये कालाध्ययन नाम का स्वाध्याय है। और जिनका निषेध किया है कालाध्ययन में सिद्धांत ग्रंथों का भी, तो आप कहें कहां। इसलिए आप अपने परिणामों की उज्जवलता के लिए स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए, और उस स्वाध्याय में भी अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय करो। ठीक है तुम नहीं कर पा रहे, बैठे बैठे पड़े पड़े विचार तो करो, बाकू
जब हम ये विचार कर सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, तो हम ये विचार भी कर सकते हैं ये मेरा नहीं है। कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, विनय नहीं होना ये भी दोष है, बहुमान नहीं होना ये भी दोष है, याद नहीं रखना ये भी दोष है। उपदान उसको याद नहीं करना, भूल जाना ये दोष है। व्यापार में अगर भूल गए लिखो नहीं तुमने तो क्या करोगे, कौन से मांगोगे जाओगे। ऐसे यहां अगर अपने को भूल जाओगे तो क्या करोगे तुम। तुम्हें सात तत्व की भूल भव में रुलाएगी और सात तत्व का श्रद्धान भव से पार करेगा। निर्दोष ज्ञान जिसमें अठारह दोष नहीं हो वो तो निर्दोष देव है। और निर्दोष ज्ञान माने जिसमें संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, नद्वसाय नहीं है, जिसमें अभिनय किसी की नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, 24 घंटे ध्यान वर्तता है वह ज्ञान है। ज्ञान समस्त धर्म ध्यान का मूल है। बहुत सी लोग कह देते ध्यान अब ध्यान रखेंगे, हमने कि ज्ञान तो कर ले पहले तब ध्यान रखी हो, रखना है नहीं। जब ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहां से रखोगे। ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, ज्ञान के बिना ध्यान तरंग आर्त रोध ध्यान में चला जाता। तो निर्दोष ज्ञान हो गया, अब हो गया निर्दोष चारित्र। निर्दोष चारित्र क्या होता है विचार करो भाई। निश्चय अगर देखें तो आत्मा को सदोष देखना और पर्यायों में विकल्पों में उलझे रहना, अंदर में विकल्प में उलझिए, आकुलता में उलझिए और बाहर में सब क्रियाएं कर रही। और सदोष चारित्र पढ़ाए तुमने, चावल दो प्रकार के नहीं होते। बोलो टोटरमल जी ने क्या लिखा है, चावल दो प्रकार के नहीं होते। चावल का निरूपण दो प्रकार के होता है, एक तुष्ट सहित चावल एक तुष्ट रहित चावल। धान जिसको कहते थे धान का ही चावल बनेगा, लेकिन तुष्ट तो चावल नहीं है, अकेला तुष्ट छिलका वह चावल नहीं है। कोई तुष्ट को चावल ही मान करके संग्रह करता रहे तो कुछ नहीं मिलेगा उसे। क्या लिखा है, कछु ना आवे हाथ। बोलो हाँ, ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत बोलो। चेतन चित परिचय बिना जब तब सबे निरथ, कणविन तुझको कूटता कछु ना आवे हथ। कण के बिना तू तुझको कूट रहा है, क्या हाथ आएगा तेरे। अपना परिचय नहीं कर रहा, अरे घर की झोपड़ी जल रही है और दूसरे घर इलाज करने जा रहा है। घर की झोपड़ी जरूरत है परगर कर इलाज, किन के लिए कहा मालूम है, औरन को उपदेश दे अपनों करे न काज। औरन को उपदेश दे अपनों करे न काज, घर की झोपर जरत है पर घर कर इलाज। तुम दुनिया को उपदेश दे रहे अपनों काम नहीं कर रहे भैया। तो अंदर में विकल्प होना और अंदर में अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना, शुद्धता प्रकट न करना, ये सदोष चारित्र है। और अलग अलग भेद करके करें तो
हिंसा के कितने दोष हैं, अतिचार जिसको कहते थे, फिर सत्य के कितने दोष हैं, तत्वासु सातवें अधिकार में से पढ़ लें। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, हम आपसे फिर कहते हैं शास्त्र पढ़ना आपका अधिकार है, कर्तव्य है, और नहीं समझ में आए तो पूछना आपका अधिकार है। सब जगह पूछताछ कार्यालय बने होते कि नहीं, अधिकार है भाई, नहीं जानते तो पूछना, लेकिन पढ़ना आपका कर्तव्य है। प्रतिज्ञा कर लेना समझ करके, हमारे कहने से नहीं, हमारे लिए नहीं, पंडित जी गुस्सा हुए नहीं, हमें क्या जरूरत गुस्सा हुई, हमें क्या लेने दें, और गुस्सा करके तुम्हारा क्या बिगाड़ करेंगे, अपने हित के लिए। मंदिर में दर्शन करने आती हैं, पूजा करने आती हैं, 10 मिनट स्वाध्याय करके जाओ, एक शास्त्र निकालो और 10 मिनट स्वाध्याय करो, 15 मिनट स्वाध्याय करो, तब जाओ। थोड़े दिन में इसका असर मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन में आपको असर मालूम पड़ जाए, क्या होगा, अरे क्या नहीं होगा। जो आप दर्शन पूजन करती हो वो तो है ही, लेकिन वो सच्ची हो जाएगी, बक्की हो जाएगी। सम्यक हो जाएगी भैया, उत्तम हो जाएगी। और जो नहीं करते हो उसकी प्रेरणा मिल जाएगी, जो नहीं कर पाते हैं उसकी प्रेरणा हो जाएगी स्वाध्याय करने से, और जो करते हो बिल्कुल सच्ची और पक्की होगी। तो चरित्र में जो व्रतों के अतिचार लिखे हैं, अहिंसा से लेकर के और संलेखना तक, वे दोष हैं सब। तो इन दोषों को छोड़ना और निर्दोष पालन करना, यह हमारे लिए हितकारी है। और प्रतिज्ञा लेना और उसमें दोष लगाना, ये हितकारी नहीं है भाई। सोचो दोषों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हमारे देव निर्दोष हैं, हमारे गुरु निर्दोष हैं, हमारी जिनवाणी निर्दोष है, हमारा धर्म निर्दोष है, हमारा आत्मा निर्दोष है। अब क्या रह गई, अरे परिणति में निर्दोष है तो अब हाल ठीक कर लो अपने। परिणति में जो दोष नेकाद रह गए वे मिटा ले इनके, छिपाने की बात तो कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं है। मिटाने की बात है तो मिटा लो भाई। दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए बोलो भाई। नंबर एक, दोष को समझना, और जितना भी दुख है वो दोष के कारण से है। बहुत गलती कर देते हम दुखी होते हैं अपनी कसायों से, अपने दोषों से, और देवी देवतन की चक्कर काटते हैं कि वे हमें सुखी कर देंगे। कुछ लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों के चक्कर काटते हैं, अर्थ क्षेत्रों के चक्कर काटते हैं, मंदिर के साथ चक्कर काटते हैं, ओ भैया जी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, बोल ले अरे भैया सारे देव भीतर आ गए, तुम्हारे परिणाम निर्दोष करने का उपाय करोगे तो सारा काम बन जाएगा। ऊपर एक तो लिखा है, परिणाम शांत होने से विघ्न स्वयं शांत हो जाते। तुम्हारे परिणाम शांत होने से विघ्न स्वयं शांत हो जाते हैं। दोषों को स्वीकार करना सच्चे हृदय से दोषों को दूर करने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, निर्दोष पुरुषों का दर्शन करना, संगति करना,
दोष का एहसास करना, मेरा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं है, हम इसको अपना क्यों मानते, मेरा ही दोष है। और ये दोष एक समय की पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। कोयले की कालिमा है दाग, तिल का दाग नहीं है तो मिट ना पाए, कोयले की कालिमा ऐसे मिट गई। अध्यवसान पिट कालिमा से भिन्न, स्वर्ण की भांत आत्मा से भिन्न, ये दोष एक समय की पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। जिस समय स्वभाव की दृष्टि होगी उसी समय दोष उत्पन्न ही नहीं होगी, जिस समय प्रकाश होगा उस समय अंधेरा नहीं होगा, ये समझ लेना। जिस समय हो आत्मचिंतन, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते, तुम्हें भगाने नहीं पड़े अंधेरा। अरे जब प्रकाश होगा तुम्हारे जीवन में तो अंधेरा अपने आप भग जाएगा, जब तुम्हें ज्ञानाभ्यास होगा मोह मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मिटने लायक संसार के मिटने का यही उपाय है, क्रोध के मिटने का यही उपाय है, मान के मिटने का यही उपाय है, मायाचारी के मिटने का भी यही उपाय है, और लोभ के मिटने का भी यही उपाय है। नकल नकल यस्मात अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं है ऐसा जानकर स्वाध्याय करो, तत्वों के मर्म को समझो, वेद ज्ञान लाओ, स्वानुभव करो। आया आया रे प्रसंग आनंद का, आनंद का आया रे प्रसंग रे, ध्याओ ध्याओ रे आत्मा असंग रे। चलो आनंद का प्रसंग आया है, इस आनंद की गंगा में हम सब तो स्नान कर ही रहे हैं, क्यों ना अपने उन कुटुंबी जनों को भी इस आनंद की गंगा में अवगाहन कराएं। आपसे विनम्र निवेदन है, ये पर्व के दिन बड़े पवित्र दिन है, इसमें सभी जीवों के परिणाम बड़े पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। आप एक बार बड़े प्रेम से अपने निकटवर्तियों को प्रेरणा करें कि ऐसा मंगल अवसर अपने को बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए घर गृहस्थी व्यापार के कार्य आगे पीछे होते रहेंगे, इस स्वाध्याय के मंगल समागम को छोड़े नहीं। अवश्य आप विनय पूर्वक सबसे निवेदन करना, हम भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साधर्मीजन इस तत्वज्ञान का लाभ लें। दोपहर में भी अपने को पुनः 2:30 बजे से यहाँ पंचाक्ति मंगल वचनों का लाभ मिलेगा, आपसे निवेदन है समय पर आ जाए। रात्रि में 7:15 बजे से जीवन भक्ति करेंगे, अपन पाठ करेंगे, उसके बाद 8 बजे से अपनी स्वाध्याय कक्षा प्रारंभ करेंगे, और जो दोनों टाइम स्वाध्याय पंचाक्त का मिल रहा है इसके ऊपर 10-15 मिनट प्रश्न मंच करेंगे, ताकि विषय पक्का हो जाए। जन्माष्टमी हे मणि Thank you.